नमस्ते किसान दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन चौधरी। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किसान ट्यूबर पे। तो किसान दोस्तों, आज वापस से आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी मुर्गी अंडा देना बंद क्यों कर देती है, या फिर आपकी मुर्गी अंडा देना कम क्यों कर देती है, और दोस्तों साथ में इसका इलाज के बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ब्रीड्स के बारे में। तो दोस्तों आपके पास जो ब्रीड्स है, यानी जो मुर्गी है, जो मुर्गी आप पाल रहे हो, वो अगर ज़्यादा अंडा देने वाली ब्रीड नहीं है, यानी ज़्यादा अंडा देने वाली नस्ल में से नहीं है, तो दोस्तों आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, यानी उसका इलाज नहीं है। अगर दोस्तों आपके पास ऐसा ब्रीड है जो कि ज़्यादा अंडा देने वाली में से है, और दोस्तों कई कारण की वजह से अगर वो अंडा देना कम कर देती है या फिर बंद कर देती है, तो दोस्तों इसका इलाज हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अंडा देना बंद क्यों कर देती है या फिर कम क्यों कर देती है। तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण है मुर्गी अंडा देना कम कर देती है या फिर बंद कर देती है, वो है दोस्तों मुर्गी स्ट्रेस में रहती है। अगर आपकी मुर्गी स्ट्रेस में रहती है तो दोस्तों आपको उस दौरान मुर्गी अंडा प्रोडक्शन यानी एक प्रोडक्शन कम देखने को मिलेगा, या फिर कभी कभी बंद भी कर देती है अंडा देना। तो स्ट्रेस में ना रहे, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। फिर दोस्तों हो गया कि आप प्रॉपर फीडिंग नहीं कर रहे हो मुर्गी को, बॉडी वेट के हिसाब से आप फीडिंग नहीं कर रहे हो। अगर दोस्तों आपकी मुर्गी जितना बॉडी वेट है उस हिसाब से अगर जितना न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है उसको अगर नहीं मिल पा रहा है, तो उस दौरान भी मुर्गी अंडा देना कम कर देगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता होता है कि मुर्गी को ज़्यादा से ज़्यादा उस दौरान प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट ये सब चाहिए होता है, ताकि मुर्गी ज़्यादा से ज़्यादा अंडा प्रोड्यूस कर पाए। फिर दोस्तों हो गया कि मुर्गी ज़्यादा वेट गेन कर लेती है। अगर दोस्तों मुर्गी ओवर वेट का हो जाएगी तो भी दोस्तों मुर्गी अंडा देना कम कर देगी या फिर अंडा देना बंद कर देगी। तो आपको उस टाइम भी ध्यान रखना है कि मुर्गी को अंडर वेट रखना है, ना कि ज़्यादा वेट उसका बढ़ जाए। इसके बाद दोस्तों एक और मेजर कारण है मुर्गी कम अंडा देती है या फिर बंद कर देती है, वो है दोस्तों मुर्गी को प्रॉपर लाइट ना मिलना। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आपकी मुर्गी लेइंग स्टेज पे आ जाएगी दोस्तों, तो उसके बाद से आपको आपकी मुर्गियों को प्रॉपर लाइट का प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों जो मुर्गी का लाइट रिक्वायरमेंट होता है एक दिन का, वो दोस्तों होता है 16 आवर। दोस्तों इस दौरान यानी जब लेइंग स्टेज पे आती है, मुर्गी को कोशिश करना है कि कम से कम 16 घंटा तक जो है मुर्गी को लाइट मिल सके। इसके बाद दोस्तों सबसे कॉमन और सबके साथ होने वाला एक कारण जो है वो है दोस्तों मुर्गी के बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाना। अगर दोस्तों आपके मुर्गी को एक प्लेइंग टाइम यानी जब मुर्गी अंडा दे रही है उस दौरान अगर आपकी मुर्गी को प्रॉपर कैल्शियम की मात्रा अगर नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उस दौरान आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकता है। जैसे मुर्गी अंडा छोटा देगी, मुर्गी का अंडों का जो सेल होता है वो दोस्तों सही से नहीं बन पाएगा, यानी जो छिलका होता है वो नहीं बन पाएगा। जैसे दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मुर्गी का जो छिलका, अंडों का जो छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। तो अगर आपकी मुर्गी को कैल्शियम ही नहीं मिलेगा तो छिलका सही से नहीं बन पाएगा, जिसके वजह से जो अंडा होगा वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगा, जब भी आप उठाओगे तो वो टूट जाएगा, फूट जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है कैल्शियम के डेफिशिएंसी हो जाना मुर्गी के बॉडी में, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये ज़्यादातर जो फ्री रेंज वाले फार्मर्स होते हैं यानी जो घर के पीछे 2-4 मुर्गी 10 मुर्गी 20 मुर्गी पालते हैं उनके साथ होता ही होता है। क्योंकि दोस्तों वो लोग पूरा नेचुरली पालते हैं, नेचुरली फीडिंग करवाते हैं, तो उनको सही मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाता है। बाकी तो प्रोटीन वगैरह ये सब मिल ही जाता होगा, तो कैल्शियम नहीं मिलने के कारण वो मुर्गी जो है कम अंडा देती है या फिर छोटा अंडा देती है या फिर अंडा देना बंद भी कर देती है। और ये भी बात है कि अगर आप फ्री रेंज में पालते हो तो आपको कम प्रोडक्शन ही मिलेगा कंपेयर टू केज सिस्टम, यानी जो केज सिस्टम में पालते हैं उनको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। बट अगर दोस्तों आपकी मुर्गी कैल्शियम की कमी की वजह से ये सब दिक्कत हो रहा है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आपको चूना पाउडर दुकान से लेके आना है। चूना पाउडर आपको दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। चूना पाउडर वही यूज़ करना है जो आप देखे होंगे कि पान वगैरह में यूज़ करते हैं, वो चूना पाउडर आपको लाना है। अब दोस्तों इसको देने का तरीका ये है कि आपको 5 लीटर पानी में 1 ग्राम चूना पाउडर मिक्स करना है। आप 5 लीटर, मैं 5 लीटर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, आप जितना भी पानी यूज़ करते हो एक दिन में तो उस हिसाब से फिर आप कैलकुलेशन करके चूना पाउडर यूज़ कर लेना। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 5 लीटर पानी में 1 ग्राम चूना पाउडर देना है, आप अगर 10 लीटर पानी यूज़ करते हो तो 2 ग्राम मिला देना। अब जैसे जैसे आप ज़्यादा कम करते रहोगे उस हिसाब से फिर आप चूना पाउडर मिलाते रहना और देते रहना। अगर दोस्तों आप इस पानी को यानी चूना पानी को अगर आप रेगुलरली अपनी मुर्गी को देते हो, तो दोस्तों इससे जो कैल्शियम की कमी होगा वो दोस्तों दूर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।
और दोस्तों इसकी कमी की वजह से जो प्रॉब्लम्स होता है, जैसे छोटा अंडा देना या फिर अंडों का जो छिलका है वो सही से नहीं बन पाना, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो किसान दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।